हाल ही में अभिनेता वरुण धवन न्यूजर्सी में आईफा अवार्ड्स के दौरान कंगना का मजाक बनाने के लिए उनसे माफी मांग चुके हैं। इस मुद्दे ने काफी हलचल पैदा कर दी है। वहीं सोमवार को मुंबई में हुए आगामी फिल्म जुड़वा 2 के ट्रेलर लॉन्च के दौरान जब वरुण से इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था, हाल ही में परिवारवाद को लेकर आईफा के मंच पर बहुत कुछ हुआ जिसके बारे में आप बोल भी चुके हैं, नेपोटिज्म को लेकर ट्वीट आप कर भी चुके हैं, अपनी सफाई दे चुके हैं। उस पूरी घटना के बाद आज पहली बार आप हम सब से रूबरू हो रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस इसी का बस यही कहूँगा कि जो मुझे कहना था उस विषय पे मैं कह चुका हूँ। एंड ऑब्वियसली आई थिंक दैट्स द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ द इंटायर टॉपिक वेयर दिस इज कंसर्न। इवेंचुअली वी आर वन फ्रेटर्निटी, वी लव ईच अदर, एंड आवर जॉब एज अ फ्रेटर्निटी एज एन इंडस्ट्री इज टू एंटरटेन पीपल एंड नॉट hurt anyone or hurt anyone's sentiments. And if I did that, I express my apologies to one and all, because I'm an entertainer, I'm an artist, and I have only love in my heart when I come out here, and that's all I want to express to people. आपको बता दें कि आईफा अवार्ड के दौरान वरुण धवन के साथ सैफ अली खान और करण जौहर ने करण जौहर को भाई भतीजावाद पर कंगना का काफी मजाक बनाया था। इसके बाद सभी ने उनकी आलोचना की थी।